आरोग्य जागृति। महिलाओं में होने वाले बच्चेदानी के मुंह के कैंसर का प्रमाण इन दिनों बहुत बढ़ रहा है। इसे रोका जा सकता है, केवल हमारी लापरवाही इसका कारण है। डॉक्टर इंगोले बता रहे हैं सर्विक्स कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से कैसे बचा जाए। एक छोटी सी टेस्ट के जरिए हम इस भयंकर बीमारी को रोक सकते हैं। देखिए आरोग्य जागृति में। आरोग्य जागृति में आपका स्वागत है। दर्शकों, आरोग्य जागृति का हमेशा प्रयास रहा है हर मर्तबा एक डॉक्टर का स्पेशलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम परिपूर्ति हॉस्पिटल श्री कृष्ण नगर औरंगाबाद में स्थित है, जिसके संचालक डॉक्टर प्रशांत इंगोले जी है। इनसे स्त्री रोग तज्ञ होने के नाते इनसे हम जानेंगे पैप स्मियर क्या होता है, जो महिलाओं में माहवारी की समस्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। कुछ महिलाओं में जानकारी न होने से इसमें कुछ बड़े बड़े डिसीज हो रहे हैं, इसके बारे में हम स्पेशली जानकारी चाहेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत इंगोले, मैं प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ, और मैं आपको आज पैप स्मियर के बारे में बताऊंगा। डॉक्टर साहब, ये पैप स्मियर टेस्ट क्या होती है और कैसी की जाती है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि महिलाओं में अधिक से अधिक जो है बच्चेदानी के मुख के कैंसर होते हैं। इसका प्रमाण हमारे देश में भी बहुत ज़्यादा है। तो गर्भपिशवी बच्चेदानी के बारे में हमें मालूम करना पड़ेगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि महिला प्रजनन प्रणाली क्या है। महिला प्रजनन प्रणाली में यह है बच्चेदानी, यह है बच्चेदानी को लगी हुई फैलोपियन ट्यूब्स, यह है अंडाशय, यह है बच्चेदानी का नीचे का हिस्सा जिसे हम सर्विक्स कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कैंसर देखा जाता है महिलाओं में वो है सर्वाइकल कैंसर, जिसे हम बच्चेदानी का कैंसर कहते हैं। पैप स्मियर नाम की जो टेस्ट है, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो हर महिला ने अपने आप से करानी चाहिए, है ना, जो हर महिला ने करानी चाहिए, और उससे हमें आगे कैंसर होने वाला है या नहीं होने वाला है उसके बारे में जानकारी मिलती है। ये जो टेस्ट है बहुत ही सरल है और इसे करना भी बहुत ही आसान है। सर, ये टेस्ट किस तरह की जाती है? ये टेस्ट कराने से पहले महिलाओं को कुछ हम सूचनाएं देती हैं, निर्देश देते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो उनको ब्लीडिंग नहीं चाहिए, महावारी के वक्त ये टेस्ट की नहीं जाती है। दूसरा, जब पेशेंट हमारे पास टेस्ट के लिए आती है तब हम कहते हैं कि 2 से 3 दिन तक उन्होंने संबंध नहीं रखने चाहिए या वजाइनल डुशिंग नहीं करनी चाहिए, है ना। उसके बाद पेशेंट जब आती है तब उसको ये टेस्ट के बारे में हम जानकारी देते हैं, और उसके बाद पेशेंट को जो है प्राइवेट कंसल्टेशन रूम में पेशेंट को लिथोटोमी पोजिशन में लिटाया जाता है, और उसके बाद में स्पेक्युलम डाल के सर्विक्स को देखा जाता है, और उसके बाद में एक आयर स्पैचुला होता है जो कि सर्विक्स के मुख से घुमाया जाता है और वहाँ की सेल्स कलेक्ट करके स्लाइड पे लिए जाते हैं, और फिर बाद में एक फिक्सेटिव से ये सेल्स उस स्लाइड के ऊपर फिक्स किए जाते हैं और बाद में ये जांच के लिए भेजी जाती है। सर, ये टेस्ट कब की जाती है? ये टेस्ट महिलाओं में उनकी उम्र के 21 साल से लेके तो 65 साल की उम्र तक करते हैं, इन महिलाओं में करते हैं, और ये टेस्ट लगभग हम हर तीन साल को करते हैं। Every 3 years हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, लेकिन अगर टेस्ट निगेटिव आती है तो ही हम अगले 3 साल के बाद वापस से पेशेंट को टेस्ट करने की सलाह देते हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं कि पेशेंट में कुछ लक्षण हो और तभी वो पेशेंट हमारे पास टेस्ट के लिए आए, ये टेस्ट हर महिला ने कराना अनिवार्य है। ये टेस्ट अगर समझो पॉजिटिव आती है तो, या फिर मान लो कि टेस्ट में अगर पेशेंट को इन्फेक्शन आता है तो फिर हम पेशेंट को जो है ट्रीटमेंट देते हैं और दोबारा से टेस्ट रिपीट करते हैं ताकि इन्फेक्शन ट्रीट हुआ है या नहीं हुआ है उसके बारे में हमें जानकारी मिले। सर, अगर पेशेंट की माहवारी जाती है तब भी ये टेस्ट करना ज़रूरी होता है? अगर मान लीजिए कि पेशेंट की माहवारी चली जाती है 40 साल की उम्र में या 45 साल की उम्र में, तब भी उसके बाद 65 साल की उम्र तक हर 3 साल को पेशेंट ने ये टेस्ट कराना ज़रूरी है। ऐसा इसलिए कि महावारी जाने के बाद भी पेशेंट को सर्विक्स का कैंसर हो सकता है, इसलिए ये टेस्ट उन्होंने करानी चाहिए। सर, सर्वाइकल कैंसर रोकने के लिए कोई आपके पास दूसरा उपाय किए जाते हैं क्या? सर्वाइकल कैंसर ना हो इसके लिए अभी हमारे पास लस भी उपलब्ध है, वैक्सीन उपलब्ध है। ये वैक्सीन हम 10 साल से लेके तो 25 साल की स्त्रियों लड़कियों में देते हैं, और ये जो लस है
इसके 3 डोज देने पड़ते हैं 0-1-6। पहला डोज अगर आज हम देते हैं तो उसके दूसरा डोज जो है 1 महीने के बाद, और तीसरा डोज जो है वो 6 महीने के बाद दिया जाता है। ये डोज हम, ये जो लस है हम सिर्फ लड़कियों में भी दे सकते हैं, और उसके अलावा हम लड़कों में भी दे सकते हैं। देखा दर्शकों, डॉक्टर प्रशांत इंगोले जी ने हमें बखूबी समझाया है कि सर्वाइकल कैंसर कैसा रोका जाए, पैप्समेयर टेस्ट कैसी की जाए, ये टेस्ट करने से क्या मालूम होता है, ये सब हमें जानकारी काफ़ी अच्छी दी है।